हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? मैं हूँ मनीषा। तो हैप्पी न्यू ईयर। सबसे पहले तो आज जब आपको वीडियो मिलेगी तो हो चुका होगा 2 जनवरी 2021। तो मैंने तो जो इस साल सोचा है वो मैंने सोचा है कि अपना जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल है वो अपनाना है, और मेरे माइग्रेन को क्योर करना है, एंड जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ एक हेल्दी जो बॉडी है वो लेनी है। तो इस साल के लिए इतना ही। और भी एक दो चीजें हैं जो कि मैंने सोची है इस साल में, जिन चीजों को छोड़ना है एंड अपने आप को इम्प्रूव करना है, तो वो सब चीजें मैंने सोचा है इस साल के लिए। क्योंकि जब आपकी सेहत होगी तभी सारी चीजें हैं। तो ये काफी इस साल के लिए मैंने रेजोल्यूशन बना लिया है अपना। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी यही सोचेंगे। तो क्योंकि हमें सोचना है और उसको करना है, तो करने के लिए तो हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना पड़ेगा ना। तो उसके लिए जो है जरूरी है कि एक हेल्दी डाइट है वो हम लें। तो मैं जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो मैंने अभी आपके साथ लास्ट 9 डेज का भी शेयर किया था, वो रुचिता दिवेकर मैम का मैंने फॉलो किया था, वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो सेम चीज मैं इस आगे आने वाले 21 डेज के लिए भी हम शेयर करेंगे, शेयर करूंगी मैं आप लोगों के साथ, और आपको भी इसको फॉलो करना है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ एक चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इस 9 दिन में जो कॉमन मेरे पास क्वेश्चन आए थे मैं उनका आंसर आप लोगों के साथ कर रही हूँ। एंड सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, कुछ नहीं कह सकते। तो सबसे पहले तो एक चीज है, जो कॉमन 4-5 क्वेश्चन थे ना, मैं वो ले रही हूँ। और फिर जैसे कमेंट एक दो वीडियो के बाद फिर जो क्वेश्चन इकट्ठे होते जाएंगे उनका मैं आंसर करूंगी। तो सबसे पहले तो मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ, मैं जो डाइट फॉलो कर रही हूँ मैं वो रुचिता दिवेकर मैम की जो बुक है उसको पढ़ के कर रही हूँ, और उसके साथ साथ मैं उनके वीडियोज भी देख रही हूँ। तो आप भी जाकर के देख सकते हैं, रुचिता दिवेकर ऑफिशियल उनकी यूट्यूब चैनल है, वहां पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बहुत सारे। तो आप वहां पे जाकर के उनको चेकआउट कर सकते हैं। मेरा शेयर करने का मोटिव ये है कि मैं भी मोटिवेट होती रहती हूँ और आप लोग भी मुझे देख के मोटिवेट हो, तो दोनों का काम चलता रहेगा। इसलिए ये वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने 9 डेज में जो आप लोग के साथ शेयर किया ना, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा और बहुत मोटिवेशन मिला है मुझे उससे। एंड अभी इसीलिए फिर मैंने सोचा कि चलो 21 का और करती हूँ, क्योंकि मुझे इस साल तो अपनी जो बॉडी है वो पानी ही है, जैसे मुझे करना है एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना ही है। तो अगर हमने 21 डेज कर लिया तो इट मीन्स कि हम फिर उसको लाइफ टाइम अपना सकते हैं। तो चलिए देर नहीं कर रही हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो ये था शुगर को लेकर के है, कि शुगर जो टी में हम डालते हैं क्या वो हेल्पफुल होती है? देखो, हेल्पफुल नहीं होती। रुचिता मैम के अकॉर्डिंग आपको जो शुगर है बिल्कुल कट ऑफ कर देनी चाहिए, नहीं लेनी है आपको शुगर। बट ऐसा होता नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। मैम यही बोलती है कि आपको वो लाइफस्टाइल अपनाना है जो लाइफ टाइम आप कर सको, जो अगले 2 साल के लिए में, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए या 5 साल के लिए, जिसको आप कंटिन्यू कर सकते हो, आपको वो चीजें रखनी है। तो हम लाइफ टाइम तो शुगर को आउट नहीं कर सकते। आउट कर सकते हैं तो बहुत बहुत अच्छी बात है, बट मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो मुझे दिन में 2 कप चाय तो चाहिए होती है। तो वो आप, मैं बोलते हैं कि अगर आप 2 कप चाय भी पी रहे हो तो आप उसमें चीनी डाल के पियो, कोई भी बुराई नहीं है। रुचिता मैम बिल्कुल अगेंस्ट है, जो ये शुगर फ्री जो चीजें आती है ना, जो ड्रॉप्स वगैरह डालते हैं, उनके बिल्कुल अगेंस्ट है, वो मत डालो आप। तो आप या तो चीनी डाल लो या फिर आप जैगरी पाउडर डाल लो, जो गुड़ की, गुड़ वाली जो शक्कर होती है ना, गुड़ का जो पाउडर होता है वो आप डाल लो चीनी की जगह पे। कैलरी इक्वल होगी बट वो चीनी जितना हार्मफुल नहीं होगा, वो आपको कैलरी तो देगा साथ में वो हेल्प करेगा, तो चीनी जितना वो बेकार नहीं होगा। तो इसलिए चीनी को आप रिप्लेस कर दो गुड़ की शक्कर की जगह। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं शक्कर क्या होती है, तो जो जैगरी पाउडर होता है ना, जो गुड़ का पाउडर होता है, उसको बोलते हैं शक्कर। तो आप चीनी को उसके साथ रिप्लेस कर दो। आप 2 से 3 कप चाय दिन में ले सकते हो, कोई भी हार्म नहीं है, ये खुद रुचिता मैम बोलती है। सिर्फ चाय को नहीं लेना है आपको, सुबह उठते ही खाली पेट आपको चाय नहीं पीनी है। दूसरा, आपको अपने मील के साथ उसको इंक्लूड नहीं करना है। जैसे आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके आधे घंटे बाद आप चाय ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है? तो आप ये कह सकते हो चाय का सवाल हो गया, चीनी का सवाल भी हो गया है, और उसके बाद है ब्रेड। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि मैम ब्रेड को प्रमोट नहीं करती है। यस, वो ब्रेड को प्रमोट नहीं करते हैं, लेकिन वो मना भी नहीं करते हैं। अगर मैं ब्रेड ऑमलेट ले रही हूँ, या मैं ब्रेड टोस्ट ले रही हूँ, या मैं सैंडविच ले रही हूँ, तो मैं कितनी, मैक्सिमम कितनी खाऊंगी? 2 ब्रेड खाऊंगी ना, तो वो इनफ है। और उसमें भी मैम यही बोलती है, चाहे आप व्हाइट ब्रेड ले लो, फिर
चाहे ब्राउन ले लो, चाहे मल्टीग्रेन लो, कोई भी लो, लेकिन अगर आप दो ब्रेड ले रहे हो तो वो बहुत है। उनका मतलब होता है कि आप पूरा ब्रेड का पैकेट लेके ना बैठे, 5 से 6 ब्रेड ना खाए, दो ब्रेड खा रहे हो, इट्स ओके, ठीक है। और इन चीजों को आप, जैसे अगर किसी को मुझ पर यकीन नहीं हो रहा है, तो आप उनकी चैनल पे जा करके और वहां से इन सब चीजों को सर्च कर सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये चीजें हैं। तो ब्रेड का क्वेश्चन भी हो गया, आप दिन में दो ब्रेड ले सकते हो। उसके बाद ग्रीन टी हो गया, या कोई भी हर्बल ऐसी जो टी होती है, अजवाइन टी है, जीरा टी है, जो भी मैं ले रही हूँ, तो इनके बारे में तो मैंने रुचिता मैम से अभी तक सुना नहीं है, लेकिन यस, ये एक हर्ब होते हैं, आपके किचन के स्पाइसेस होते हैं, हर्ब है, तो आप इनको लोगे ना, तो जो पर्सनली मुझे लगा है, इनके लेने से मेरे जो चाय पीने की क्रेविंग है ना, वो कम हो गई है। मेरी चाय मतलब कभी कभी बन भी जाती है ना सुबह, तो मैं सिर्फ 2 सिप लेती हूँ और उसको रख देती हूँ, मेरा मन ही नहीं करता सुबह उस चाय को पीने का। तो ये उसके लिए है। तो ये मैंने खुद के ऊपर, जब मैं, आपको पता है मैं कितनी चाय पीती हूँ, उसके बाद मेरा ही, मैं जब चाय को छोड़ सकती हूँ तो फिर आप तो छोड़ ही सकते हो। तो ये इन चीजों में हेल्प करती है, आपके डाइजेशन में हेल्प करती है, बहुत सारी चीजों को क्योर करती है। तो ये एक अच्छी हैबिट, आप इसको अपनाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो जैसे मैं दिखाती हूँ, मॉर्निंग में या सोते हुए आप वो ड्रिंक ले सकते हो, ओके। एंड उसके बाद और क्या था, हाँ, एक मैम का क्वेश्चन था कि वो सुबह चाय पी के ही फ्रेश होती है, तो मेरा स्पेशली आपके लिए ये है, क्योंकि सेम मेरा था कि मुझे सुबह चाय चाहिए होती है, तो लेकिन मैं छोड़ सकती हूँ तो आप भी छोड़ सकते हो। तो देखो आपको करना क्या है, रात को आप या तो अजवाइन जो चाय मैंने बोली है वो पी लो, या फिर आप रात को इसबगोल ले लो, 1 चम्मच इसबगोल मुंह में लिया, ऊपर से पानी पी लिया, तो ये आपको सुबह फ्रेश होने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, आपको चाय की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। या फिर अजवाइन पानी ले लो, आप 1 हफ्ता ये करके देखो, 1 हफ्ता इसबगोल ले लो, फिर अगले हफ्ते अजवाइन वाटर ले लेना, तो इससे आप सुबह फ्रेश हो जाओगे। सुबह उठते आपको क्या करना है, हल्का गुनगुना पानी, 2 ग्लास गुनगुना पानी पी लो। उसके बाद आप अजवाइन, जब आप 2 ग्लास पानी खत्म करोगे ना, अपना अजवाइन पानी है जो, 1 ग्लास में 1 चम्मच अजवाइन डाल के, 1.5 ग्लास में 1 चम्मच अजवाइन डाल के उबलने के लिए रख दो। जब वो 1.5 ग्लास से 1 ग्लास रह जाएगी तो उसको छान के पी लो, इससे आपकी अपने आप ही क्रेविंग दूर हो जाएगी चाय पीने की, और आप फ्रेश भी हो जाओगे। तो स्पेशली आपके लिए था, मुझे आपका नाम याद नहीं है। तो ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो सुबह चाय को नहीं छोड़ सकते उनके लिए है ये, जो चाय नहीं पीते वो तो है ही, लेकिन जो चाय को नहीं छोड़ सकते उनके लिए ये चीज है कि आप सुबह 2 ग्लास पानी पीजिए, उसके बाद अजवाइन पानी पी लो, जीरा पानी पी लो, या फिर लेमन में एसी भी डाल लो, पानी में एसी भी डाल लो, या फिर पानी में लेमन डाल लो, कोई भी ड्रिंक आप ये ले सकते हो, साथ में टर्मरिक डाल ली, जिंजर डाल ली, तो ये वाली जो टीज है वो आप सुबह ले लो, तो चाय आपकी ऑटोमेटिकली आपकी स्किप हो जाएगी। और चाय को ब्रेकफास्ट के साथ मत लेना, मैं लेती हूँ, मैं धीरे धीरे इसको छोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप मत लेना, बस मैं ये बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। और दूसरा, हाँ, जो बोल कई लोगों के कमेंट्स ये थे कि हर 2-2 घंटे में इतना खा के भी आप वेट लूज कर रहे हो, तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल है। इसमें होता क्या है कि मान लो हमने सुबह हमने नाश्ता कर लिया, फिर हम दोपहर को लंच कर रहे, तो उसके बीच में भूख लगती है, अगर हम उस बीच में नहीं खाएंगे ना, मिड मॉर्निंग स्नैक्स अगर हम नहीं खाएंगे, तो हम लंच में बहुत ज्यादा खा लेंगे, ओवर ईट कर लेंगे, तो इससे फिर से हमारी वही कैलरी भी बढ़ जाती है, खाना बढ़ जाता है, और फिर हमारा वेट वहीं का वही रहेगा। लेकिन सॉरी, अगर आप मिड मॉर्निंग ब्रेकफास्ट और मिड इवनिंग ब्रेक जो स्नैक्स अगर आप वो लेते हो ना, तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा आपका वेट लूज करने में। तो ये प्रॉमिस कीजिए मुझसे, और मैं भी आपसे कर रही हूँ, 21 डेज तक हम बिल्कुल हेल्दी खाना खाएंगे। मैं थोड़ा सा ट्रैवल करती रहती हूँ, जैसे सुबह से मैं गुड़गांव थी, अभी मैं दिल्ली आ गई हूँ, तो थोड़ा सा मेरा चल रहा है इधर उधर, बट मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं उसको कंटिन्यू करूँ। आज उतना अच्छे से नहीं हो पाया, मैंने आप लोगों के साथ अभी डाइट शेयर करूंगी मैं आप, लेकिन कल से हम उसको पक्का करेंगे। लेकिन जितना कोशिश हो सके उसको सही रखना है हमें, ठीक है। आज मैं काम में भी बिजी थी तो इसलिए भी नहीं हो पाया, अभी आप मेरी डाइट देखिएगा तो उसमें थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई है, तो इट्स ओके। मैं उसकी जगह ऑल्टरनेट जो ऑप्शन होगा वो भी आपको दूंगी, तो आप वो ले लीजिएगा उसमें। तो कल से 2 जैन को आपको मिल जाएगी, सुबह सुबह मिल जाएगी, अभी पोस्ट कर दूंगी मैं वीडियो, और मैं ट्राई करूंगी कि इसको रात को पोस्ट कर दूं, मैं अभी पोस्ट कर दूं, ताकि आपको सुबह से कल से आप इसको स्टार्ट कर दें। तो जब भी आप इस चैलेंज को लीजिए तो उससे 21 डेज तक आपको इसको लेना है, और फिर देखते हैं कि किसमें कितना फर्क पड़ रहा है। और मेरा जो वेट था वो मैं 1 वीक में ही चेक करूंगी अभी, और जो लास्ट मैंने वेट चेक किया था वही था 54.2 kg समथिंग था ना, वही था मेरा लास्ट वेइंग जो मशीन है मेरी, वो गुड़गांव ही रह गई है, तो वो वहीं पर अब 1 हफ्ते बाद ही हम चेक करेंगे। तो मेरा जो लास्ट वेट है हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, मैंने सुबह चेक नहीं किया आज, तो
जल्दी जल्दी में हो गया ऐसे ही। ठीक है, तो चलिए अब मैं अपने डाइट प्लान शेयर कर लेती हूँ। बाकी आपके जो क्वेश्चंस हैं आप वो मुझसे पूछ सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक तो वीडियो के बाद फिर से हम थोड़ा सा कन्वर्सेशन करेंगे, और मैं एक तो चीजें और जो मैं रीड कर रही हूँ बुक से, उसके 2-3 पॉइंट है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ठीक है, तो चलिए फटाफट से डाइट देख लेते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, दिन की शुरुआत की है मैंने एक गिलास गर्म पानी से। ये एक्चुअली काफ़ी बड़ा गिलास है, ये आपको नज़र नहीं आ रहा होगा स्क्रीन पे इतना, लेकिन ये अराउंड 1.5 गिलास हो जाता है। तो ये मैंने गर्म पानी लिया है, और आज मैंने कोई भी मॉर्निंग ड्रिंक वगैरह ऐसा कुछ नहीं लिया, सिंपल जो है गर्म पानी लिया है। उसके बाद फ्रेशनअप वगैरह हो करके मैंने उठने के आधा घंटे के अंदर ही मैंने हाफ बनाना ले लिया था, क्योंकि ज़्यादा खाने का मन नहीं था तो मैंने सिर्फ हाफ ही लिया था। हम लोग उठे थे एक्चुअली थोड़ा सा लेट उठे थे हम, आज न्यू ईयर था तो बस बेड पे बैठे बैठे ही लेटे लेटे ही बातें बातें चल रही थी, तो वहीं पे मैंने हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया। तो आप सुबह एक बनाना या कोई भी फ्रूट ले सकते हैं, या फिर ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं। उसके बाद ब्रेकफास्ट में मैंने एक अंडे की भुर्जी बनाई थी, जिसको स्क्रैम्बल्ड एग भी बोलते हैं, वो लिया था। इसके अंदर है अनियन और कैप्सिकम, साथ में एक ब्राउन ब्रेड मैंने हल्की सी घी लगा करके सेक ली है, और इसके साथ में एक कप चाय, आपको पता ही है। तो ये है मेरा हेल्दी सा ब्रेकफास्ट। तो जैसे मैंने बताया, आप ब्रेकफास्ट के साथ स्किप कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और उसके आधे घंटे के बाद आप चाय को लेंगे तो बहुत अच्छा होता है। ब्रेकफास्ट के साथ चाय नहीं लेनी है एज़ पर रुचिता मैम। उसके बाद मिड मॉर्निंग स्नैक्स में मैंने चाय और एक रस लिया है, क्योंकि मैं आज किचन की सफाई में लगी हुई थी, ठंडी है और मुझे भूख भी लगी थी, तो फटाफट से कोई ऑप्शन मुझे नहीं था। मेरे को लग रहा था फ्रूट से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा थी और मैं थक भी गई थी, काफ़ी सफाई की है मैंने आज किचन में, तो फिर मैंने चाय और रस ले लिया। तो आप इस टाइम पर नारियल पानी ले सकते हो या कोई भी फ्रूट ले सकते हो, वो बेस्ट ऑप्शन रहता है। लंच में मैंने एक रोटी और एक छोटी सी बाइट ली थी, ये विनोद ने छोड़ दी थी, मैंने उसकी बाइट अपने प्लेट में रख ली, और साथ में है पालक पनीर की सब्जी, थोड़ी सी हरी मिर्ची मैंने ली है यहाँ पर। तो ये हो गया लंच। दही अभी अवॉइड कर ले हैं, अगले 10 दिन तक अवॉइड ही करेंगे, थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन है तो दही अभी नहीं ले रही हूँ मैं। उसके बाद इवनिंग स्नैक्स में फिर जैसे मैंने बताया किचन की क्लीनिंग में ही लगी हुई हूँ मैं सुबह से, तो मैंने यहाँ पे इवनिंग स्नैक्स में भी चाय और एक ब्रेड को सिर्फ गैस के ऊपर ही ऐसे पकड़ के सेक लिया था, कोई घी वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है, प्लेन है। और इसके ऊपर थोड़ा सा फिर मैंने मिर्ची का अचार रख के इवनिंग स्नैक्स में एक ब्रेड और चाय। उसके बाद डिनर में पोहा एंड चाय है। तो यस आई नो चाय बहुत ज़्यादा हो गई है, बट मैं कोई भी चीटिंग नहीं करना चाहती हूँ, जो चीज़ मैंने ली है आप लोगों के साथ वही शेयर किया है, तो बहुत बहुत बेकार बात है कि मैंने आज 4 कप चाय ली है। रियली सॉरी, आप चाय को हटा के बाकी जो मैंने चीज़ें देखी है आप वैसे उसको फॉलो कर सकते हैं। बस मिड मॉर्निंग में एक फ्रूट लेना है आपको, और फिर आपको लेनी है मतलब चाय नहीं लेनी है उसमें आपको, तो प्लीज़ चाय को अवॉइड कीजिएगा। बट हाँ, कल से मैं बिल्कुल प्रॉपर फॉलो करूँगी। तो आप के साथ मैंने शेयर किया है अपना day 1, जो कि थोड़ा सा इधर उधर हो गया था मैंने जैसे बताया आपको, बट हाँ कल से हम प्रॉपर करेंगे। और उसके बाद मैंने डिनर में कुछ भी नहीं लिया, ना कोई नाइट ड्रिंक ना ही दूध लिया है। तो चलिए अब मैं मिलूँगी आपसे day 2 पे।